पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस देने के बाद किसान आंदोलन में जश्न का माहौल है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जश्न मनाया। इस पर बीजेपी नेता अविचल सिसोदिया ने मोदी जी का आभार मानते हुए कहा कि किसान कानून पर एक वर्ष से राजनीति चल रही थी। केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में सभी विरोधी दल एक साथ हो गए थे। सपा, बसपा, कांग्रेस के सभी नेता भाजपा सरकार के इस कानून के विरोध में लगातार किसानों के पक्ष में खड़े थे। ऐसे में सरकार ने जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस देने का काम किया है, निश्चित रूप से इससे सरकार को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा, ऐसा कहना अविचल सिसोदिया भाजपा नेता का है। अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला, 55 केनल रोड, गोकुलपेट, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801, 9130327502। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कल जो मोदी जी ने निर्णय लिया है वो किसानों के हित में ही लिया है। और देखिए, झुकने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है। भगवान के घर में झुकने से ही इंसान बड़ा होता है। और झुकने से आज जिस तरीके से मोदी जी ने वो चीजें वापस ली है, उससे इनका कद बहुत बढ़ गया। सरकार पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी है और कल भी किसानों के साथ है। राजनीति कभी बीजेपी ने करी ही नहीं, बीजेपी ने इस देश के लिए ही काम किया है। अगर हम देखें तो कितने वर्षों से इस देश में धारा 370 एबॉलिश करने के लिए काफी प्रयास चल रहे थे और कई लोगों ने, कई बड़े नेता ने बोले थे इससे कॉन्स्टिट्यूशन से पास करना पड़ेगा, वहां के सरकार से पास करना पड़ेगा। आज धारा 370 एबॉलिश करने के बाद देश का अच्छा ही हुआ है। आज कश्मीर में इतने वर्षों के बाद विकास ही हुआ है। पुराने समय में अगर देखा जाए तो राजीव गांधी माननीय पंतप्रधान उस समय के बोलते थे कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, नीचे 10 पैसा पहुंचता है। तो आज तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो रहा है किसानों के अकाउंट में, हर किसी के अकाउंट में। तो इस देश में जो आदमी अच्छा करने जाता है तो उसके पीछे 4 लोग रहते हैं। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन का काम ही है सरकार के अगेंस्ट बोलने।